नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश अपने YouTube चैनल द मास्टर ट्रिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मोबाइल फ़ोन से PDF फाइल पर पासवर्ड कैसे लगाते हैं और फिर पासवर्ड कैसे हटाते हैं PDF फाइल से, ये सीखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल वाले आइकान को भी ज़रूर दबा दें। तो इसके लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं। ये देखिए, हम अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में आ गए हैं और यहाँ पर हम hipdf.com लिखकर एंटर प्रेस करते हैं। देखिए, hipdf.com लिखकर एंटर करने के बाद हमारे सामने एक वेबसाइट ओपन हो गई है hipdf.com, और सबसे ऊपर हमें ऑल इन वन ऑनलाइन PDF सोल्यूशन लिखा हुआ मिल रहा है। इस वेबसाइट के थ्रू हम PDF कन्वर्जन किसी भी तरीके का बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी वेबसाइट के थ्रू हम PDF फाइल पर मोबाइल फ़ोन से पासवर्ड लगाना और पासवर्ड हटाना दोनों सीखेंगे। इस वेबसाइट का उपयोग हम अपने कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल अभी मोबाइल पर इसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम अपने फ़ोन में एक PDF फाइल है जिसे हम ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए, हमारे फ़ोन में एक वैकेंसी चार्ट नाम की PDF फाइल है, हम इसको ओपन करते हैं। देखिए, फाइल ओपन हो गई। तो अब इस फाइल पर हम पासवर्ड लगाएंगे। हम hipdf.com पर आते हैं और प्रोटेक्ट PDF वाला जो लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इस पर ओके करते हैं। अब देखिए, यहाँ से फाइल को अपलोड करने के लिए बोल रहा है। हम अपने फ़ोन से या लैपटॉप से जहाँ भी hipdf.com को यूज कर रहे हैं वहाँ से फाइल को अपलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव से भी या और ड्रॉप बॉक्स से भी हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल अपने फ़ोन से फाइल को अपलोड कर रहे हैं। हम चूज़ फाइल पर ओके करते हैं। चूज़ फाइल पर ओके करने के बाद हम उस लोकेशन पर चले जाते हैं जहां पर हमारी वह फाइल रखी हुई है। तो देखिए, ये वैकेंसी चार्ट वाली जो फाइल हमें दिखाई दे रही है, हम इस पर ओके करते हैं। इसे सेलेक्ट करके फाइल अब देखिए अपलोड होना शुरू हो गई है। ये देखिए, अपलोड कंप्लीट हो गया है। फाइल hipdf.com पर अपलोड हो चुकी है। अब इस पर हम पासवर्ड लगा सकते हैं। ध्यान रहे, हम इस पर कम से कम 6 अक्षर का पासवर्ड लगाना ज़रूरी है। तो हम इस पर 1 2 3 4 5 6 ये पासवर्ड हम एग्जांपल के लिए इस पर लगा देते हैं और इसे एनक्रिप्ट बटन पर ओके प्रेस कर देते हैं। देखिए, एनक्रिप्ट बटन पर ओके प्रेस करते ही तुरंत ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई। योर फाइल इज नाउ प्रोटेक्टेड विथ अ पासवर्ड। अब इस फाइल पर पासवर्ड लग चुका है। इस फाइल को हम चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड बटन पर ओके कर देते हैं। देखिए, फाइल हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो गई और अब इसको ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर पासवर्ड लिखना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर हमने जो पासवर्ड सेट किया था वो लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये हमने पासवर्ड दिया था। हम इसको एंटर करके ओपन बटन पर ओके कर देते हैं। देखिए, ये फाइल हमारे सामने ओपन हो गई। तो इस तरीके से हमने hipdf.com का यूज़ करके बड़ी आसानी के साथ अपनी PDF फाइल को प्रोटेक्ट करना सीख लिया, उस पर पासवर्ड लगाना सीख लिया। अब हम फिर से उस फाइल से पासवर्ड हटाना भी सीख लेते हैं। तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन अनलॉक PDF का दिखाई दे रहा है, हम इस पर भी ओके करते हैं। और इस पर ओके करने के बाद हम फिर से यहाँ से फाइल चूज करते हैं। हम उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर हमारी वो फाइल जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है रखी हुई है। तो हम उस फाइल को चूज कर लेते हैं। ये देखिए, फाइल हमारी रखी हुई है। हम इस पर ओके प्रेस करते हैं। अब ये फाइल हमारे फ़ोन में अपलोड हो चुकी है। यहाँ से अनलॉक करने के लिए दिस फाइल इज़ वेरी वेल प्रोटेक्टेड, वेरिएबल पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिखा हुआ हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इस फाइल को अब हमें पासवर्ड प्रोटेक्शन से हटाना है। इससे पासवर्ड को हम हटाएंगे, हम पुराना जो पासवर्ड इस पर लिखे हुए हैं उसको एंटर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हमने दिया था, ये लिखकर हम इसे पुराना पासवर्ड लिखकर इसे अनलॉक बटन पर ओके कर देंगे। देखिए, अनलॉक बटन पर ओके करने के साथ ही यह फाइल अनलॉक हो चुकी है और इस फाइल को फिर से यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। तो हम इस डाउनलोड बटन पर ओके करते हैं और इस फाइल को हम फिर से डाउनलोड कर लेते हैं।
फ़ोन में हमारी फाइल फिर से डाउनलोड हो गई और इस बार इस फाइल को ओपन करने के लिए हमें किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम बड़ी आसानी के साथ अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर किसी पर भी hipdf.com का यूज़ करके अपनी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, ताकि उसे कोई और दूसरा हमारे इजाज़त के बगैर ओपन ना कर सके। और फिर उससे पासवर्ड कैसे हटाना है हम ये भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।